नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लगभग महीने भर से राजधानी लखनऊ आईटी चौराहे से निषादगंज की ओर जाने वाला ओवरब्रिज मरम्मत कार्य के लिए बंद किया था, जिसको आज जनता के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि निषादगंज इंदिरा ओवरब्रिज का निर्माण वर्ष 1978 में हुआ था। इस ओवर ब्रिज से रोजाना हजारों लोग डालीगंज, निराला नगर, बादशाह नगर समेत शहर के अन्य इलाकों में आते जाते हैं। पीडब्ल्यूडी के अभियंता के मुताबिक पुल की हालत काफी खराब थी और एक्सपेंशन जॉइंट जर्जर हो गए थे। इससे वाहन और वाहन चालकों को काफी दिक्कत होती थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इंदिरा ब्रिज के जर्जर एक्सपेंशन जॉइंट बदलने के लिए 23 अप्रैल से एक महीने के लिए पुल बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया था। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा के मुताबिक उन्होंने पीडब्ल्यूडी के हिस्से का मरम्मत कार्य समय से पूरा कर दिया था। कुछ हिस्सा रेलवे का होने के कारण रेलवे ने पीडब्ल्यूडी को क्रॉसिंग के ऊपर भी एक्सपेंशन जॉइंट बदलने के लिए पत्र लिखा था, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी को 15 दिन का समय और लग गया। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से इस पुल पर आवागमन शुरू हो चुका है। वहीं हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने इंदिरा ब्रिज पर जाकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा तथा राहगीरों से बात की। फिलहाल इस पुल पर यातायात शुरू हो जाने से मेडिकल कॉलेज जाने वाले के लिए सुलभता हो गई है। आज जिस पुल पर हम इस समय मौजूद हैं, ये आईटी चौराहे से निषादगंज की तरफ जाता है और यहाँ पर जो राहगीर हैं उनसे बात करते हैं कि अभी तक ये पुल काफ़ी दिनों से बंद था, बहुत समस्याएं हो रही थी, अब ये खुल गया, आज से कैसा लगा? आज से बहुत अच्छा लगा। क्या समस्याएं झेलनी पड़ी अभी तक? ये समस्याएं थी, ट्रैफिक बहुत था, पुल के नीचे जो सिग्नल है रेलवे क्रॉसिंग, अगर क्रॉसिंग बना था 2-3 ट्रेनें गुजरती, तो उसमें कम से कम आधा घंटा हम लोग खड़ा रहना पड़ता धूप में। इससे बहुत अब खुल गया, बहुत आराम है। एक ऑटो वाले हैं, इनसे पूछते हैं, भाई ये रास्ता बंद था काफ़ी दिनों से, कितने दिन से ये रास्ता बंद था? 2 महीना लमसम हो गया है, 1.5 से 2 महीना। अच्छा। और इतनी दिक्कतें होती थी वहाँ क्रॉसिंग के बाद, फंसते थे हम लोग, एक एक घंटा वहाँ जाम लगा रहता था, आधा घंटा, और कई गाड़ियाँ लड़ भी चुकी हैं। अच्छा, ये सब हुआ है। आज से खोल दिया गया रास्ता? आज से खोला है इन्होंने, अब आराम है, अब जा रहे हैं पहला चक्कर। एक ई रिक्शा वाले और हैं, इनसे जानते हैं कि ये पुल बंद होने से कितना चक्कर काट के आना पड़ता था, क्या समस्या होती थी? बहुत समस्या होती थी भैया, अब तो अब कम लगता है समस्या। खुल गया है? हाँ खुल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये पुल जा रही है सामने, अभी तक ये रास्ता काफ़ी दिनों से बंद था, करीब 1 महीने से, 40 दिन से लगभग बंद था। अब इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है, यानी अगर यातायात की बात की जाए तो यातायात व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से इस मार्ग पर चलाई जा रही है, क्योंकि अभी तक इस पर जो है कुछ गार्डर का काम हो रहा था, जिसको लेकर के इन रास्तों को बंद किया गया था। फिलहाल अब इस रास्ते का मरम्मत कार्य करने के बाद इसको जनता के लिए शुरू कर दिया गया। राजधानी लखनऊ का ये जो हमारे पीछे आप ओवरब्रिज देख रहे हैं, इसको आज से शुरू कर दिया गया है, यानी यातायात व्यवस्था यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पीछे ये जो ओवरब्रिज जा रहा है, ये ओवरब्रिज आईटी चौराहे से निषादगंज की तरफ जा रहा है, और निषादगंज की तरफ ये जा रहा है, जो ओवरब्रिज था इसके नीचे आरओबी है इसको कहा जाता है, ऊपरगामी सेतु, यहाँ पर जो रेलवे की लाइन थी, रेलवे लाइन के ऊपर का जो ओवरब्रिज था, इसमें कुछ कार्य कराने थे, मरम्मत कार्य होना था, जिसको लेकर के लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पर कार्य कराया है। और हमारे साथ बात करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, कितने दिन से ये ओवरब्रिज बंद था, क्या क्या कार्य यहाँ पर हुआ और कब इसको शुरू किया गया? लगभग 40 दिन तक ये ब्रिज बंद रहा है, इसमें एक मेजर मरम्मत का कार्य हुआ है। इसके एक्सपेंशन जॉइंट जो कि 17 पीडब्ल्यूडी वाले पोर्शन में थे और 4 एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो रेलवे वाले पोर्शन में थे, टोटल 21 एक्सपेंशन जॉइंट्स को ठीक किया गया है, बाकी ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह की गई है, जिससे एक प्रमुख एक रिपेयर का मेजर रिपेयर वर्क हो गया, क्योंकि ये पुल बड़ा इंपॉर्टेंट पुल है यहाँ का, इस पूरे क्षेत्र का, जो कि डाली इसके आईटी चौराहे से निषादगंज को जोड़ता है। तो अब ये पूरा यातायात के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और यातायात इसमें खोल भी दिया गया है आज से। अधिकतर इसमें जिस तरीके से ओवरब्रिज, ये काफ़ी पुराना ओवरब्रिज बना हुआ है, तो जो दिक्कतें बीच बीच में आती हैं कुछ वर्षों के बाद, वो क्या समस्याएं होती हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जाता है? समस्या आती है कभी कभी इसके जो जॉइंट्स होते हैं, बियरिंग्स होती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, या उसके वर्केबिलिटी लेस हो जाती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, लेवल में डिफरेंस आ जाता है, पैरापेट टूट जाती हैं,
रेलिंग्स में, जैसे रेलिंग आप देख रहे हैं रेलिंग सही है, रेलिंग में रिपेयर हो की जरूरत पड़ जाती है, ऐसी तमाम काम जो ब्रिज से रिलेटेड होते हैं वो इसमें रेलवे और हम लोगों ने दोनों ने एक समन्वय स्थापित करते हुए अपना इस पुल का पूरा काम करवाया है। तो क्या अभी और भी कोई आरओबी ऐसा है या कोई ऐसा आपका पुल है और ब्रिज है जिनकी मरम्मत करने की आवश्यकता है ऐसा कुछ शहर में? अभी फिलहाल सर्वे चल रहा है और जब भी कोई रहेगा तो उसकी मरम्मत समय से कराई जाएगी। लोक निर्माण विभाग की कई सड़कें हैं, क्या अभी भी कोई सड़कें छूटी हैं जहां पर अभी मरम्मत कार्य ना हो सका हो, जहां पर गड्ढे हों, गड्ढा मुक्ति ना की गई हो? मेजर सड़कें जितनी भी थी हमारे लखनऊ शहर में उनको रिपेयर करा लिया गया है और जो कुछ एक बची हुई हैं उसको बरसात से पहले ख़त्म करा लिया जाएगा हर हालत में। तो हमारे साथ बात कर रहे थे लखनऊ विभाग में PWD डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग, उसके अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो ऊपरगामी क्षेत्र था यानी जो पुल था ओवरब्रिज, इस ओवरब्रिज पर लगभग 40 दिन तक काम चला और 40 दिन तक कार्य ये हुआ, यहाँ मरम्मत कार्य चलाया गया क्योंकि नीचे से रेलवे की लाइन जा रही थी, उसके ऊपर का भी काम करीब 10 दिन तक रुका रहा, उसको भी लोक निर्माण विभाग ने सुचारू रूप से कराया। आज अगर बात की जाए तो IT चौराहे से निषादगंज की तरफ जाने वाले मार्ग पर, जैसा कि आज बुधवार है और बुध बाजार के दिन इस मार्ग पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो यातायात व्यवस्था भी आज सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। यानी अब लखनऊ वासियों को अगर IT चौराहे से निषादगंज की तरफ जाना है या फैजाबाद रोड की तरफ जाना है तो आज से उस मार्ग पर जा सकते हैं, यहाँ पर यातायात सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।